हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल खाना खजाना विद शिखा। आज हम बनाने जा रहे हैं विद मेयोनीज सैंडविच। सैंडविच बनाने के लिए कुछ चॉप सब्जियां ली हैं, प्याज, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, हरी धनिया, 6 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, 4 चम्मच मेयोनीज ली है, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट लिया है, 1 हरी मिर्ची ली है उसको बारीक काट लिया है, आधा छोटा चम्मच नमक लिया है, नमक आप थोड़ा सा कम लीजिएगा क्योंकि मेयोनीज में भी नमक होता है। 1 बड़ा बाउल लेंगे, इसमें सारी सब्जियों को डालेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन जरूर दबाएं। सब्जियों में अब मेयोनीज भी डाल देंगे, अब इसमें काली मिर्ची भी डाल देंगे, अदरक भी डाल देंगे, हरी मिर्ची भी डाल देंगे, नमक भी डाल देंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। ब्रेड के स्लाइस लेते हैं। ब्रेड के किनारे अगर हार्ड हैं तो आप उनको काट के निकाल भी सकते हैं। 1 ब्रेड के स्लाइस पे सब्जियों का मिक्सर रखेंगे, अच्छे से फैला देंगे। सब्जियों की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज्यादा रख सकते हैं। सब्जियां अच्छे से लग गई हैं, अब इसके ऊपर दूसरी स्लाइस भी रख देंगे, हल्के हल्के से दबा देंगे। इसी तरीके से बाकी ब्रेड की स्लाइस को फिल कर देते हैं। दूसरी ब्रेड पे भी सब्जियां अच्छे से लग गई हैं। गैस के ऊपर तवा गरम होने रख देते हैं। जब तक तवा गरम हो रहा है तब तक ब्रेड के ऊपर घी लगा लेते हैं। आप अपनी चॉइस के अनुसार घी या बटर कुछ भी लगा सकते हैं। तवा गरम हो गया है, घी वाली साइड से ब्रेड को तवा के ऊपर रखेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, ब्रेड के दूसरी साइड में भी घी लगा देंगे। ब्रेड एक तरफ से हल्की ब्राउन हो जाएगी तब इसको पलटेंगे। ब्रेड एक तरफ से हल्की ब्राउन हो गई है, अब इसको पलट देंगे। ब्रेड को दोनों तरफ ब्राउन होने तक सेक लेंगे। ब्रेड दोनों तरफ से अच्छे से सेक गई हैं, अब इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। सैंडविच को अब कट कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया सैंडविच बन के आया है। बेस्ट मेयोनीज सैंडविच सर्व करने के लिए तैयार है। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।